जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा आज आयोजित होगी। इस बैठक के हंगामेदार रहने की संभावना जताई जा रही है। मानसून के समय नालों की सफाई और शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर हंगामा हो सकता है। इस बैठक में पिछले महीने हुई साधारण सभा में शेष प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही वार्ड क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य, पेचवर्क, श्मशानों के विकास कार्यों को लेकर विचार रखे जाएंगे। वहीं उद्यानों के विकास, रोड लाइटें लगाने और राजस्व को बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इस बैठक में कांग्रेस और भाजपा के पार्षद मौजूद रहेंगे। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की साधारण सभा की बैठक, नगर निगम ग्रेटर विकास कार्यों को लेकर चर्चा होनी है। कांग्रेस और भाजपा के पार्षद मौजूद रहेंगे। नगर निगम ग्रेटर में विकास कार्यों को लेकर चर्चा यहां पर होगी। मानसून के समय नालों की सफाई को लेकर हंगामा हो सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं। लीलाधर, जयपुर में ग्रेटर नगर निगम की आज साधारण सभा की बैठक होनी है, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के पार्षद मौजूद रहेंगे। कई मुद्दे हैं नगर निगम के जिनसे जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा सकता है। हंगामे होने के भी आसार जताए जा रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी? जी दीपिका, आपने बिल्कुल कहा, साधारण सभा जयपुर नगर निगम की एक धमाकेदार हवेली होती रही है और इस बार भी धमाकेदार होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है कहना पड़ेगा, क्योंकि मानसून, जो प्री मानसून की बारिश, अभी से पहले जो तूफान आया था, साइक्लोन आया था, उसके बाद जो जयपुर शहर की हालात थी, जो सड़की थी, पानी की नदियां बन गई थी प्रकाश से, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के पार्षद है, वो साधारण सभा को लेकर उत्साहित रहते हैं, क्योंकि साधारण सभा के अंदर जाकर वो अपनी बात को रख सकते हैं। जहां तक बात की जाए, जयपुर नगर निगम की ओर से पिछले महीने में साधारण सभा का आयोजन किया गया था, परंतु कुछ प्रस्तावों को लेकर रात को 8:30-9 बजे का टाइम हो गया था, उसके बाद जो महापौर सौम्य गुर्जर ने जो साधारण सभा को स्थगित कर दिया। और आज जो 27 जून को साधारण सभा आयोजित की जाएगी, उनमें जो पिछले बचे प्रस्ताव थे उन पर चर्चा की जाएगी। उनके बाद की जाए, वार्ड क्षेत्र की सड़क निर्माण का कार्य हो, सड़कों के निर्माण कार्य के साथ पेचवर्क का कार्य हो, श्मशानों के विकास कार्य की बात हो, उद्यानों के विकास कार्य की बात हो, नई लाइटें लगाने के विकास कार्य को विचार विमर्श की जाएगी। साथ ही राजस्व की बात करें, क्योंकि नगर निगम की जो बात करें रेवेन्यू है, वो यूटी टैक्स के माध्यम से आती है, तो यूनिपोल के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, यूटी टैक्स के माध्यम से, तो ऐसे कई संसाधन के माध्यम से जो नगर निगम के राजस्व को बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ऐसे में महापौर सौम्या गुर्जर के द्वारा वित्त समिति के चेयरमैन है, उनसे भी राय ली जाएगी। और बात की जाए तो साधन सभा के अंदर जो पार्षद है वो अपनी बात रखेंगे। जहां तक लाइटों की बात की जाए, क्योंकि नगर निगम के महापौर और जो सीईओ है महेंद्र सोनी ने हमेशा नई लाइटों के बारे में चर्चा की है, पर तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों की मांग रहती है कि नई लाइटों की बात की जाए। तो इसी तरह से कई जो मुद्दे हैं उनको लेकर साधन सभा का आयोजन किया जाएगा और साधन सभा में हंगामा होने के साथ भी कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।